भारत छोड़ो यात्रा को 9 दिन के ब्रेक के बाद यात्रा के 109वें दिन दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में दाखिल होना था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एंट्री के समय यात्रा को हिट करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। समूचे उत्तर प्रदेश से जिला स्तर के लोग, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं ने यूपी बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। राहुल गांधी जब दिल्ली से लोनी बॉर्डर के जरिए यूपी में दाखिल हुए तो कांग्रेस के इन प्रयासों का असर भी साफ नजर आया। भारत छोड़ो यात्रा में समूचे उत्तर प्रदेश से आए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल थे। दरअसल अमेठी से आए कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 में हम फिर से वापस आ रहे हैं। गांव गांव जाकर यात्रा का संदेश देंगे, लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस की इस यात्रा में लाखों की भीड़ थी। तो दोस्तों, आपको इस यात्रा के बारे में क्या कहना है, कृपया कमेंट करके अपनी राय को जरूर रखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।